साहब आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आपकी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिए गए और अगली मीटिंग कब है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी? कल की मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पर हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार असमान में हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए, एक प्रतिनिधिमंडल हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा, सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं और जो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि शायद हमें आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो यकीनन वो हमारी बात सुनेंगे और गौर करेंगे। और देश में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसकून तरीके से, पुरामन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।